कोटा विकासखंड के ग्राम केकराडीही में नव युवा समिति द्वारा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण समारोह जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष संदीप शुक्ला, कोटा जनपद सदस्य प्रभात पांडे के मुख्य आतिथ्य द्वारा किया गया। वहीं सरपंच जोशीलाल मिंजी, जिला कांग्रेस महामंत्री गणेश कश्यप, चंद्रभान नायक, आयोजन समिति के अध्यक्ष सूर्यकांत नेटी के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद सदस्य प्रभात पांडे ने कहा, कबड्डी भारत का प्राचीन खेल है। 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में कबड्डी को विश्व स्तर में पहचान मिली। राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी को शामिल करने के साथ भारत में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए सन 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन किया गया। वर्तमान में भारत में कबड्डी प्री लीग का भी आयोजन होने से युवा अधिक से अधिक संख्या में कबड्डी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। बहुत बहुत मैच खेल चुके हैं, बहुत दूर से आए हैं। वहाँ मुंगेली जिला से हैं, तहतपुर के पास हमारा गांव है। बहुत मैच खेल चुके हैं, यहाँ का मैच बहुत अच्छा रहा, खेलने में भी बहुत मजा आया। हमारा कोच कोमल सर है, वैसे कोच हमारा बहुत मैच खेल चुके हैं सर हम लोग। पहला कैसे बताऊं कितना इनाम पाया हूं। और क्या चाहते हैं आप लोग अगर, अब हम और लोग अच्छे पोजीशन में जाने चाहते हैं, अच्छे खेलने चाहते हैं। मेरा भरत कुमार साहू। कबड्डी एक परंपरागत खेल है जिसे खेलने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग मिलकर अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए खेल को खेल सकते हैं। उन्होंने कहा, उपविजेता टीम के खिलाड़ी निराश न होकर कठिन परिश्रम कर आगामी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए लक्ष्य बनाएं।